Good morning, everyone. Yesterday we had discussed about the phrasal verb, right? What is phrasal verb, the concept of phrasal verb, examples and use of phrasal verb in many different, right? We had learned about it, right? In a short brief, we just revised that topic, then we further carry on the paragraph writing topic, right? So फ्रेजल वर्ब का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था, एज मैंने जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है कि इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं वो उनकी मीनिंग के अकॉर्डिंग उनका वर्ब डिफाइन करते हैं, राइट? इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं टॉपिक के, उनका मीनिंग ही उनके वर्ब को बदलाता है. तो जैसे मैंने आपको बोला था फ्रेजल वर्ब क्या होता है, तो फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब, वो एक प्रकार का वर्ब होता है जो कि दो या दो से अधिक शब्दों का समूह होता है. तो फ्रेजल वर्ब क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जिसमें एक शब्द जो जरूर से क्या होगा, वर्ब होगा, और दूसरा शब्द क्या होगा, या तो वो प्रेपोजिशन होगा, या तो एडवर्ब होगा, या तो नाउन होगा, या फिर कोई भी ग्रामेटिकल कंपोनेंट उसमें होगा, राइट? तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक शब्द वर्ब हो और दूसरा कोई भी ग्रामेटिकल कंपोनेंट हो, क्या कहलाता है, वो फ्रेजल वर्ब, राइट? तो इस तरीके से फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन हमने पूर्ण करी थी. आफ्टर दैट हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करे थे रिलेटेड टू फ्रेजल वर्ब. अब फ्रेजल वर्ब का बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट है कि कोई एक वर्ब को बेस मानकर उसके साथ पे अलग अलग प्रेपोजिशन एडवर्ब और कोई ग्रामेटिकल कंटेंट को ऐड करके और फिर हम उसको सेंटेंसेस में यूज करते हैं एज अ डिफरेंट मीनिंग, राइट? हमने क्या क्या डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था फॉर एग्जाम्पल पुट ऑफ, पुट ऑन एग्जाम्पल बताया था, मेकआउट एग्जाम्पल बताया था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस करे थे, राइट? तो एक बार शॉर्ट में दो टू थ्री एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल पुट ऑफ मैंने बताया था, तो पुट का मीनिंग होता है रखना और ऑफ का मीनिंग बंद करना, राइट? लेकिन पुट ऑफ एक थर्ड मीनिंग हमको मिला था, क्या, उतारना या रिमूव करना, राइट? तो हमने उसको शूज के फॉर्म में एग्जाम्पल किया था कि आई पुट ऑफ माई शूज बाय एंटरिंग एट होम. तो हम जब भी घर में एंटर करते हैं तो हम अपने शूज उतार देते हैं, रिमूव कर देते हैं, राइट? ऐसे ही सेम एज पुट ऑन, तो पुट ऑन का मीनिंग डिफरेंट वाला क्या हमने बताया था, पहनना, राइट? तो फिर से हमने शूज का एग्जाम्पल लिया था, वेर एवर आई गो आउट आई पुट ऑन माई शूज, राइट? तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ मैं अपने शूज पहनती हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से फ्रेजल वर्ब का कॉन्सेप्ट होप्स हो कि आप लोगों को क्लियर होगा. अब हम आज एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज पैराग्राफ राइटिंग. आप सबको पता है बचपन से आप ऐसे राइट करते हो, लेटर्स लिखते हो, उसमें शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ लिखते हो, स्टोरीज पढ़ते हो तो उसमें पैराग्राफ्स होते हैं, आपको पैराग्राफ पता है कि किस तरीके से लिखते हैं, बट उसका बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है. स्टूडेंट्स के ब्रेन में पैराग्राफ राइटिंग मतलब एक कंसेप्ट बैठा हुआ है कि लेंथी पेज पे दो चार पेज हमने फिल आउट कर दिया तो वो पैराग्राफ कहलाएगा, या 6-8 लाइन लिखी है तो वो पैराग्राफ कहलाएगा. नहीं, उसका एक बेसिक कंसेप्ट होता है. पैराग्राफ राइटिंग को हम ऐसे ही 4-5 लाइन ऐड कर दें तो उसको हम एक जस्टिफाइड पैराग्राफ नहीं बोलेंगे, राइट? पैराग्राफ का एक बेसिक एस्पेक्ट होता है, कुछ रूल्स होते हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं तो ही वो एक्चुअल वर्डी पैराग्राफ कहलाता है, राइट? तो हम थोड़ा सा पहले एक एक करके धीरे धीरे करके पैराग्राफ की डेफिनेशन को डिस्क्राइब करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसके क्राइटेरियाज को फाइंड आउट करेंगे, उसके कैटेगरीज देखेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो देखेंगे, उसके बाद उसके टाइप्स देखेंगे किस 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 तरीके से हम पैराग्राफ राइट कर सकते हैं, और फिर उसको एक जस्टिफाइड वे पे एक क्लियर मैनर में हम पैराग्राफ राइटिंग करेंगे. बचपन से हम करते आ रहे हैं बट हमें पैराग्राफ राइटिंग का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बट आज आप लोग इसको क्लियर करने का ट्राई करेंगे, राइट? तो हियर वी गो विद द डेफिनेशन व्हिच इज रिटन ऑन द बोर्ड, राइट? सो पैराग्राफ के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया. अब उसके लिए स्टूडेंट्स ने मिथ क्या है थोड़ा सा मैं बता रही हूँ. स्टूडेंट्स सोचते हैं कि द लेंथ ऑफ दी सेंटेंसेस या 4-5 सेंटेंसेस रिटन टुगेदर दे आर कॉल्ड पैराग्राफ, राइट? तो ऐसे नहीं होता है. बहुत सारा आधा पेज का ये कुछ कंटेंट लिखा है तो हम उसको यही बोलेंगे कि दैट इज पैराग्राफ. क्यों? क्योंकि उसके कुछ एस्पेक्ट होते हैं फॉलो करते होते हैं तब हमको समझ में आता है कि हाँ ये पर्टिकुलर फॉर्म पे एक पैराग्राफ.
डिटेल में अगर डिस्क्राइब करेंगे तो एक बेस आइडिया, एक सेंट्रल आइडिया अगर किसी भी पैराग्राफ से, किसी भी चार पांच लाइन में रिलेटेड हो तो वो क्या कहलाएगा? हमारा पैराग्राफ। तो बेस क्या निकला हमारा, फाइनल जस्ट क्या निकला पैराग्राफ राइटिंग का, दैट इज एक सिंगल आइडिया पे बेस्ड अगर हम कोई भी टॉपिक पे लाइक डिटेल में लिखे, चार पांच लाइन लिखे या सिंगल लाइन भी उसको कंप्लीट डिफाइन करने पे लिखे, तो वो क्या कहलाएगा, एक पैराग्राफ। आई थिंक थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, और हम आगे उसकी डेफिनेशन देखेंगे तब हमको और समझ में आएगा कि एक्चुअल आइडिया क्या होता है, राइट। तो वी आर लेट्स फर्दर डिस्कस अबाउट द पैराग्राफ राइटिंग, राइट। सो पैराग्राफ